मॉर्निंग एवरीवन. सभी आज जा रहा है अपने घर के कपड़ों में. व्हाई यू गोइंग इन नॉन यूनिफॉर्म डे टुडे? ओके. टू पाउंड लेके जा रहा है लड़का हमारा. क्यों है 2 pound के लेके जा रहा? Because we are raising a charity called Dogs for Good. Oh, nice. It's dogs who are training to be like dogs who are training to be like good dogs. Dogs you can't like will help others, right? Yeah. Like a training dog. Yeah. That's yeah. What do you call them? Yeah, it was called. Dogs help people who are in need. Yeah. Like who can't see exactly or blind. Well done. Yeah. Guide dogs. Guide dogs, yeah. Yeah, और अभी रवि पढ़ रहा था अपनी बुक भी. कितने कहाँ तक पहुँच गए? कौन से चैप्टर पे हो आप? Chapter 3. Wow. What is the chapter 3? Almost. Did you just start it? The first one is off to the fair, and then I just started chapter 3. First chapter is off to the fair, and then second chapter is a good time and a shock. Good. And then the third chapter is the fire, I think, at Hilly Down. So, अभी आजकल अपनी बुक पढ़ते हुए जाता है यहाँ से. Yeah. Okay. Have a good day. Bye. Love you. Bye. Love you too. Good morning, guys. Welcome to another vlog. तो बस आज है Friday और time हो गया है college जाने का. Saurabh is waiting for me. तो obviously वो मुझे drop करने जा रहा है. आई होप कि मैंने सब कुछ ले लिया है. तो चलते हैं भाई. बहुत रश 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 है. बस गाड़ी में आकर बैठ गई हूँ और जा रही हूँ अपने कॉलेज. एंड थैंक यू टू सौरभ फॉर ड्रॉपिंग मी. बंदा बिजी है ड्राइव में. एक बार हेलो बोल देंगे आप. अब एक मिनट रुके. मॉर्निंग. आज बंदा बहुत बिजी है भाई. गाइस आज बंदे के बड़े सारे काम हैं. तो थैंक यू सो मच अपने कामों के बीच में मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए. पता नहीं मैं जब कॉलेज जा रही थी ना मैं इतनी टेंशन में क्यों होती हूँ. मुझे खुद ही नहीं पता मैं टेंशन में. हालांकि मेरा कॉलेज इतना कूल है, मेरी इंस्ट्रक्टर इतनी कूल है, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, बट स्टिल यू नो मुझे लगता है वो एक डर सा होता है ना, स्टूडेंट वाला डर वही रहता है हमेशा. बाकी आज जाते हैं, होपफुली अच्छा दिन जाएगा. मुझे पता नहीं, आज फ्राइडे है तो आप जब ये ब्लॉग देखेंगे तब या तो सैटरडे होगा या संडे होगा जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे. अगर संडे हुआ तो आप समझ जाना बहन ने फ्राइडे को ब्लॉग क्यों नहीं निकाला था. मैं रात को एडिट नहीं कर पाई हूँ. अभी कॉलेज में रहकर मैंने अगर एडिट कर लिया तो कर लिया अभी कॉलेज के बाद, लेकिन उसके बाद इतना लेट हो जाता है ब्लॉग को पब्लिश करना कि आप सब लोग सो चुके होते हो. तो फिर मैं सोचती हूँ चलो यार स्किप कर देते हैं फ्राइडे. तो फ्राइडे मोस्टली मैं स्किप कर देती हूँ. बट हाँ लास्ट फ्राइडे निकला था. लास्ट फ्राइडे में थोड़ी ऑर्गेनाइज थी, आज नहीं हूँ इतनी. बट लेट्स सी देखते हैं ठीक है. अगर ब्लॉग नहीं आया होगा फ्राइडे को तो उसका रीजन यही होगा ठीक है. चलो चलते हैं अभी कॉलेज और मैं अपनी कॉफी भी अपने साथ ले आई हूँ और पीते हैं कॉफी और शुरुआत करते हैं दिन की. तो बस ले लिए गरम गरम समोसे, मक्की की रोटी और सरसों का साग. अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ. हमारी गाड़ी कहाँ है भाई? आ गए हैं गरम गरम समोसे. अंकल ने अभी अभी अंकल कहते हैं अभी अभी आए ही हैं किचन से. तो कैसे हो दोस्तों, आ चुके हैं हम वापस कॉलेज से और शक्ल के बजे पड़े हैं 12 क्योंकि काम था बहुत सारा. वाह तो टाइम हो गया कॉलेज में. बट एक अच्छी बीवी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पति को जाकर अभी शाम की कॉफी दूं क्योंकि मुझे बताया गया है कि आज वो बहुत बिजी थे. क्योंकि थोड़ा सा यू नो प्यार मोहब्बत हुई हमारी जब मैं कॉलेज से वापस आई. वो मुझे पिक करने आए. सॉरी हम आज शूट वूट नहीं कर पाए ज्यादा क्योंकि बहुत ही भागम भाग चल रही थी. तो मैंने कहा आपको इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप मेरे इस प्यारे से घर में एक हूबर कर दें. क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी मैं तैयार होकर गई थी, हूबर नहीं करा था. आपको तो पता ही है मैं और मेरा हूबर और ये घर, बस क्या बताऊं अब. तो वो थोड़ा प्यार व्यार हुआ यू नो, समझ जाओ आप, बहस हुई. अब आपसे क्या छुपा है.
लेकिन फिर मुझे लड़का वाकई में बहुत बिजी था, कोई बात नहीं, जाते हैं एक अच्छी सी कॉफी बनाकर उनको पिलाते हैं, साथ में खिलाएंगे उन्हें जलेबी। सवेर दा कुछ नहीं खादा होया। इस सवेरे में खिड़की खोल के गई सी, हले तक खुली पई है। अच्छी बात नहीं है। देखो झगड़ा होया, गल हुई, चार गल्ला तुसी कहियां, एक गल मैं कही। सही हुआ होगा ना, फिर तूने चार कही होंगी, मैंने एक कही होगी, ऐसा हुआ होगा ना। तुसी चार गल्ला कीतियां, मैं एक गल कीती, कोई गल नहीं, झगड़ा खत्म होया। उल्टा आ गया। जलेबी कैसी है? अंकल की अच्छी होती है। है ना, पता वो अंकल के यहाँ पे सरदार जी थे दूसरे वाले, मैं क्या बस मैनू ना, मैं क्या जो तेरे सब तो छोटा डब्बा है ना, जो सब तो छोटा डब्बा दुकान च अवेलेबल है, तुसी मैनू उहदे विच जलेबी दो। पता वो हंसने लग पड़े, मैं कहा नहीं जी नहीं, अगर मैं लैगी ना अद्धा किलो जलेबी, मैं अद्धा किलो जलेबी मैं ही खा जानी है, बिकॉज मीठा है मेरी कमजोरी। तो बस सबसे छोटे वाले डब्बे में जलेबियां लेके आई हूँ मैं, और मुझे लगता है दुकान में सब लोग मुझे जान चुके हैं कि ये बंदी खाने पीने के मामले को लेकर बहुत ज्यादा सोचती है। हालांकि सोचती कुछ नहीं, जो मुझे करना होता है, मेरे बाल हेयर कलर की जरूरत है, हेयर ड्रेसिंग सीख कर आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे आज अपना हेयर कलर कराना था, लेकिन हेयर कलर हो नहीं पाया क्योंकि मैं पिछले हफ्ते स्किन टेस्ट ही करना भूल गई थी। तो अब नेक्स्ट वीक तो मेरे पास टाइम है नहीं, और उससे नेक्स्ट और उसके बाद तो कॉलेज बंद है दो हफ्ते के लिए। एनीवे घर में कर लेंगे हेयर कलर तो। और अब जलेबी खाओ यार, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, पोछा कपड़े लगते लेट लेट के सारी जगह पोछे पोछे। बहुत बढ़िया। आज खाना आया बाहर, मक्की की रोटी आई है, तो सरसों का साग आया। आज पैंच बिल्कुल हिम्मत नहीं है रोटी बनाने की, जे मैं रोटी बनाई मैं गिर जावांगी, इस करके रोटी आई है बाहरों। लेकिन बच्चे वास्ते इतनी बकवास कर रही हूँ ना, बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन बच्चे वास्ते पराठा बनेगा आलू का, और बच्चे के प्यो ने उसी दे देता है जलेबी। चलो भाई तुम अपनी जलेबी और कॉफी इंजॉय करो, मैं बाकी सारे घर के काम संभालती हूँ। प्रीति इज बैक इन द हाउस गाइस, देखते हैं शावर हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चे का। तो बस गाइस हमारे लिए तुम खाना ले आए हैं अंकल की दुकान से, मक्की की रोटी और सरसों का साग, लेकिन अभी के लिए मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो फटाफट से बनाते हैं और उसको खिलाते हैं। हालांकि अंकल की दुकान पे परांठे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी के लिए तो परांठा मैं ही बनाऊंगी। और मैं ना परांठा बनाने से पहले एक चीज और करती होती हूँ, मैं एक बूंद ऐसे तेल की डाल लेती हूँ, और फिर थोड़ा सा आटा लेके उसको ना ऐसे पूरे पैन के ऊपर ना एक बार रब कर देती हूँ। उससे मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये नॉन स्टिक पैन है, बट फिर भी परांठा बिल्कुल भी चिपकने के चांसेस नहीं रहते हैं, और परांठा बनता बहुत अच्छा है। तो अब उसको तो मुझे ऑब्वियसली वेस्ट करना पड़ेगा, तो उससे मैंने तवे को, तवे की ऑयलिंग करी है। देखो अब हमारा लाजवाब पराठा तैयार हो जाएगा। तो बस अब सारे काम वाम खत्म करके मैं आकर बैठी हूँ यहाँ पर। मैं क्या सबसे पहले करते हैं व्लॉग की एंडिंग, और क्योंकि पिछले कुछ व्लॉग्स में आई नो दैट गाइस प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, मेरी व्लॉग की एंडिंग नहीं अच्छी हो रही है, पता मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पाता है, दिन कब शुरू होता है कब खत्म होता है बिल्कुल पता नहीं लगता है। तो वो व्लॉग की जो एक यू नो एक तरीके वाली जो एक एंडिंग होती है वो नहीं हो पा रही है, आई नो दैट, बट मैंने कहा नहीं आज मैं कितनी भी थकी क्यों ना हूं मैं आऊंगी, मैं व्लॉग की एंडिंग करूंगी ढंग से, और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस इसी थॉट के साथ आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। आज का दिन ना था, फ्राइडे का दिन हमारा ऐसे ही रहता है क्योंकि मेरा कॉलेज होता है, अभी का स्कूल होता है, और सौरभ की हर फ्राइडे को कॉल्स होती हैं, और उसकी मतलब कि कॉल्स कोई ऐसा नहीं 15 मिनट की आधे घंटे की, इट्स लाइक 2 आवर्स की उसकी कॉल्स होती हैं। तो आज उसकी बहुत सारी कॉल्स थी, और बस लड़का बहुत ज़्यादा थक चुका था, इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि यार हेयर ड्रेसिंग इज़ नॉट ईजी। आई थिंक हेयर ड्रेसिंग ब्यूटी ये एक ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आपको यू नो खड़े रहना पड़ता है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो आज भी मैंने क्लाइंट का हेयर कट करा, फिर मैंने अपने ब्लॉक हेड पे प्रैक्टिस करी, तो काफी देर तक ना कम से कम नहीं 5 से 6 घंटे में सिर्फ खड़ी रही हूँ, और थक जाते हो यार आप, आपकी बैक की लग जाती है, स्पेशली जब आपको इतनी आदत ना हो खड़े होने की। वो तो थैंकफुली मैं बहुत काम वाम करती रहती हूँ, मैं अपना बहुत एक्टिव रखती हूँ, तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे तो यार बस फिर घर आके यू नो आपको पता है मेरी आदत, मेरी मुझसे ना मैं बैठ नहीं सकती, मतलब कि सॉरी मेरा गला सूख रहा है,
I'll go and get some water. Look, if I want, वापस आने के बाद मैं आराम से बैठ सकती हूँ. कोई ऐसा भी नहीं कि यू नो घर में बहुत ही काम है. बट मेरी ना आदत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है मैं घर आऊँ, यू नो अपनी चीजें नॉर्मल दिन की तरह अपनी चीजें करूँ और बस उसी से लगी रहती हूँ. और मुझे अबीर को लेके बहुत वो रहता है, स्पेशली मंडे टू फ्राइडे की वो घर का ही खाना खाए एंड ऑल दैट. तो बस उन सब चीज़ों में आके इतना लग गई और अब हालात ये हैं कि मैं इतना थक चुकी हूँ और मैंने कहा नहीं, सबसे पहले आप लोगों से करते हैं टाटा बाय बाय. आपको थैंक यू बोलते हैं बिकॉज यू गाइज आर वॉचिंग अवर व्लॉग्स एंड सेंडिंग मी सो मच लव, लाइक सेंडिंग ऑल ऑफ अस सो मच लव एंड यू लाइक इट वॉट एवर आई शेयर विद यू गाइज. सो या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे से हेयर केयर शेयर करो, हमारे से मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करो. ऑनेस्टली गाइज मैं खुद बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ लेकिन अभी ना लाइफ बहुत बिजी चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं बिकॉज सौरभ इज सेटलिंग डाउन इन हिज न्यू रोल और बहुत काम है उसके पास. तो मैं जहां तक मेरी आप ब्लॉग्स में देखते ही हो, मैं उसको ऐसे बोलती रहती तूने ये नहीं करा तूने वो नहीं करा, वो तो मतलब एक यू नो मजाक का एक वो होता है पार्ट. लेकिन ऑनेस्टली ही इज वेरी वेरी बिजी और मंडे टू फ्राइडे मुझे उसको डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. तो आई ट्राई टू डू एज मच एज वर्क पॉसिबल बाय माई सेल्फ और बस इन्हीं सब चीजों में लगी रहती हूँ. और सुबह से शाम कब होती है पता नहीं लगता. ऊपर से आई एम गिविंग लॉट्स ऑफ टाइम टू माई हेयर ड्रेसिंग थिंग, तो मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ. हाँ वही सौरभ मुझे आज कह रहा था देन यू कैन शेयर सम नॉलेज विद अदर्स ऑल्सो वट एवर यू आर लर्निंग. तो हाँ वो मैं ध्यान में रखूंगी, उसके मैं थोड़े शॉर्ट्स ले लिया करूंगी जो मैं घर में करती हूँ. बाकी अभी मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई सी यू गाइज टुमारो एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड और खूब इंजॉय करना. और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय, लव यू ऑल.